गोला स्थित मां तारा मंदिर को उड़ाने की साजिश को रामगढ़ पुलिस ने सोमवार को नाकाम कर दिया। 29 सितंबर की रात अज्ञात अपराधकर्मियों ने गोला स्थित चोपादारू में मां तारा मंदिर परिसर को उड़ाने के उद्देश्य से विस्फोटक पदार्थ और लाल रंग से लिखा एक धमकी भरा पत्र भेजा था, जिसमें यह लिखा था कि 10 लाख रुपए उन्हें दिया जाए, नहीं तो वे लोग मंदिर को उड़ा देंगे। इसके बाद मंदिर का देखभाल करने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इन अपराधियों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया। इस टीम का गठन पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के नेतृत्व में किया गया। एक गुप्त सूचना के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें फिरोज अंसारी, कयूम अंसारी, राजन महतो और संजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 4 पीस जेलेटिन, 4 पीस डेटोनेटर, एक जियो कंपनी का कीपैड मोबाइल, एक आइटल कंपनी का कीपैड मोबाइल, एक सिल्वर रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल और एक काले रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद की गई। सोमवार को रामगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे मामले की जानकारी दी। प्रभात कुमार ने क्या कहा वह आप भी सुने। संबंध नहीं है, इस 4 में से 3 रामगढ़ जिला के ही हैं, एक बोकारो जिला जो हमसे रामगढ़ जिला से सटा हुआ है उस जगह के लोग हैं, और ये चारों का अपना लोकल ग्रुप है। जैसा मैंने अपने बताया पहले बताया कि ये पहले भी जेल जा चुके हैं, तो ये इस तरीके का एक मोडस ऑपरेंडी ये लोग प्लान किए थे कि अगर धमकी करके कुछ पैसा आ जाए तो इनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो